आपकी सक्सेस जो है जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसका कनेक्शन है कि आप अपनी 100% कैपेबिलिटी पर परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसको ध्यान से समझ लेना, कुछ और एक और लेयर निकल करके आई है। मतलब आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है, आप उससे हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया। अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ में। और मैं यहां पे एक चीज और ऐड करूंगा, सिर्फ माइंड में नहीं बॉडी में भी जंग लगने लग जाता है। एंड बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, दिस इज इंटरकनेक्टेड। बॉडी की धज्जियां उड़ेगी तो माइंड की अपने आप ही धज्जियां उड़ जाएगी, अपने आप ही मूड खराब रहने लग जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो माइंड को क्या यूज करोगे। और अगर अभी आप ध्यान से देखोगे जो साजिश है, हाँ साजिश अच्छा है ना, सही निकला है, साजिश नहीं साजिश, हाँ जो साजिश है चारों तरफ जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमको धीरे धीरे और लेजी बनाता चला जा रहा है। पहले कोई चॉइस नहीं थी कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो वो लेना है और उसको ठोकना ही पड़ेगा, मतलब एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या है, वॉशिंग मशीन में डाला निकाला काम हो गया। ऐसे ही पहले अगर शॉपिंग करनी है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, देयर वाज नो ऑप्शन। और बाहर जा रहे हो तो 10-10 रुपए के पीछे 10 जगह पे धक्के खाने ही पड़ेंगे। अब ऑनलाइन बैठे हो मोबाइल से टक 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 टक, तो हो क्या रहा है चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, कन्वीनियंस के नाम पे हम आलसी होते चले जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी। इसको ध्यान से समझो, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, करना बहुत कुछ चाहते हो, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। बॉडी में कई तरह की पेन्स हो गए, ये हो गए वो हो गए, तो क्या करोगे। तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है तो, अदरवाइज आई विल बिकम मोर एंड मोर लेजी फिजिकली। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ माइंड, वहां पर लेजीनेस का मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट। चारों तरफ एंटरटेनमेंट है, दैट इज द पिनिकल ऑफ लेजीनेस, एंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है, जाकर के बैठ जाओ एक मूवी में, या फिर अपने कंप्यूटर पे मोबाइल पे एक के बाद एक कुछ देखते चले जाओ, ये क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है, क्या दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, आराम से बैठे हो देखे चले जा रहे हो, लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके लिए, वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी स्टोरी को, आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आप सिर्फ देख रहे हो, तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पे। जो मेरे कुछ सेशंस होते हैं जहां पर दिमाग लगाना पड़ता है, गुस्सा आता है ना, ये क्या है, कुछ और देखते हैं, है ये बढ़िया है, इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को ध्यान से देखोगे बड़ी जल्दी थक जाते हैं, 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नजर नहीं आती है, एक स्पार्क नजर नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अभी है आपके पास में, तो अगर चाहते हो ये स्पार्क बढ़ता जाए एज के साथ में, तो क्या करना है, नंबर वन फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक, देयर इज नो चॉइस देयर, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा मेंटली एक्टिव रहना है, कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरह की एक्सरसाइज करने का, फालतू की एक्सरसाइज नहीं, डिबेट नहीं, वहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है आप यहां से बोल रहे हो, किसी और के कुछ भरा हुआ है वो बोल रहा है, और आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है तेरा पॉइंट सही है, ना जी, वो कोई माइंड की एक्सरसाइज है, बेकार है। माइंड की एक्सरसाइज मतलब एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है, दैट सोल्यूशन हैज टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आपका माइंड ऐसा होगा एक सेकंड में सॉल्यूशन निकल के आएगा। लोग स्टक हुए पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, आपके सामने बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ऐसे आप सॉल्यूशन निकाल जाओगे, माइंड को आपने ऐसे तैयार कर दिया ना शुरू से ही। तो जो आपको अपना दोस्त लग रहा है वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर बिग एनिमी। अगर थोड़ा सा भी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरा है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है दिन में आधा एक घंटा, बट द पॉइंट इज अगर इससे हम एडिक्ट हो जाएं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये भी समझ आना चाहिए, अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका सॉल्यूशन निकालना, ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है वहां से भागते रहते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आपके असली दोस्त हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओगे और कोई तरीका नहीं है। तो बट सम टाइम हम सब हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर भी हम कंटीन्यूअसली उस वर्क को करते हैं एंटरटेनमेंट के पीछे, हमें पता है कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, हमें पढ़ना है, मतलब फिर भी मोबाइल एंटरटेनमेंट। हाँ प्लीज हैव अ सीट, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है,
देखो कोई जानवर है, जानवरों से इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, इंसान बने हैं ना, कोई जानवर है उसको एफर्ट ना करना पड़े, घर में कोई पालतू कुत्ता है उसको एफर्ट ना करना पड़े अपना खाने के लिए, तो वो क्या एफर्ट करेगा? उसको पता हो कि दिन में इतनी बार आपको यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, कहेगा बढ़िया है मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। लेकिन अगर उसको पता हो कि बिना एफर्ट के मुझे नहीं मिलेगा तो वो एफर्ट करेगा ही करेगा, जब भूखा होगा तो भागेगा। तो हो क्या रहा है, अब बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो बिना कुछ करे ही हमको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मतलब मजा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर बचना है तो। डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो, तो डिफॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि हाँ, दिस इज माय रियल फ्रेंड एंड दिस इज माय रियल एनिमी, एफर्ट इज माय रियल फ्रेंड। और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज रिलेटेड टू माइंड, समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो। इसको मैं और ज्यादा डीपली टच नहीं करूंगा, बट पकड़ लिया है ना आपने पॉइंट, पकड़ लिया है ना। हाँ, तो इन दोनों लेवल पे काम करते रहना है मरते दम तक, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, नहीं किया तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, बस सो सिंपल। और ये जो ट्रैप्स हैं उससे बच के रहना है, जैसे एक साइकिल के लिए जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है, पानी की वजह से लगता है ना, जो लगता है कि वो साइकिल को साफ कर रही है, लेकिन साफ करने के बाद अगर आपने चलाई नहीं तो जंग लग जाएगा। ऐसे ही एंटरटेनमेंट है, कुछ देर के लिए आपको लगता है कि मेरे को वो रिलैक्स कर रहा है एंटरटेनमेंट, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही आपने एंटरटेनमेंट लिया, और फिर अगर अपनी गाड़ी को नहीं चलाया, साइकिल को नहीं चलाया, तो जंग लग जाएगी आपके अंदर। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, डे टू डे लाइफ में इतने एंटैंगल्ड हो जाते हैं कि अपना काम 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 काम, ऊपर से प्रेशर 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 प्रेशर, डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, यही सब चल रहा होता है ना कि इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, अभी एग्जाम आ रहे हैं, अभी ये चेकिंग हो रही है, ये हो रही है, इतना हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम जी क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ काम करने के लिए? काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। पैसे से क्या होता है? पेट भरता है। क्या सिर्फ इसलिए जी रहे हैं? वो तो जानवर भी जी रहे हैं, जानवर भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं ना, तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है? क्या हम किसी तरीके से ऐसा, आई एम 100% श्योर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, जो मैं आप सबकी आंखों में देख रहा हूं, कि क्या हम सबके अंदर ये डिजायर है या नहीं है कि हमारी वजह से किसी की लाइफ बेटर हो जाए? ये डिजायर है, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये, अगर हम सच बोले अपने आप से, तो बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम अपना डे टू डे लाइफ में एंटैंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं डे टू डे पेटी इश्यूज में। कोई बंदा बैठा है, वो आपको अननेसेसरी ऊपर से बैठ करके टॉर्चर कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपका मूड खराब कर रहा है, आप सही भी कर रहे हो तब भी आपकी गलतियां निकाल रहा है। कोई है अपनी प्रमोशन के लिए आपको नीचे गिरा रहा है, आप जो अच्छा कर रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है, जरा सा आपने कुछ कर दिया तो आ करके आपकी धज्जियां उड़ा दी है ना। ये सब चीजें हो रही हैं जो अभी आपको बिग इश्यूज लग रहे हैं, इन रियलिटी दीज आर जस्ट पेटी इश्यूज। आज से 20 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा ये सब बातें। क्या याद रहेगा? कि मैंने किसकी लाइफ टच करी, सिर्फ माइंड के लेवल पर नहीं, दिल से। तो अगर हम अपना ध्यान ये समझ लें कि जिनको बिग इश्यूज समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी चीज है हमारी लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो चीजें होती रहेंगी अपने लेवल पे, वहां पे बात चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, लेकिन उसकी वजह से हम अपना मूड खराब ना करें। क्योंकि जहां आपका मूड खराब हुआ, अब आप क्या अच्छा करोगे बच्चों के लिए? जैसे अगर आप इसको, मेरी बात की गहराई को अगर आप पकड़ पाए, आप लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुश होता है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहो कि मेरा आज मूड बहुत ही अच्छा है, मैं तुझे मार करके तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर तुझे खाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये सब थॉट्स कब आते हैं माइंड में? आ जाते हैं जी, कई बार शादीशुदा लोगों के माइंड में आ जाते हैं बहुत होंगे, ये चीजें होती हैं। इन कब होती है? जब हमारा मूड खराब होता है। जब मूड अच्छा होता है तो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सो आप लोगों का मूड अच्छा होना, आपका खुश होना अपनी लाइफ से बहुत जरूरी है। आप दुखी किस वजह से होते हो, अगर आपको ये समझ आ जाए, जिन भी वजहों से आप हो रहे हो, सब छोटी मोटी चीजें हैं। बड़ी चीज क्या है? किन वजहों से आप खुश हो सकते हो? छोटी चीजें क्या है? अपने आप को औरों से कंपेयर करोगे कि यार टीचिंग का मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ सोसाइटी में, या कर रहा हूँ, और मेरी सैलरी क्या है, और मेरा वो दोस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उसकी सैलरी क्या है, यही सब चीजें है ना। हाँ, देख लो क्या हो रहा है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। सैलरी ज्यादा है कम है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? आप कितने लोगों की लाइफ टच कर पा रहे हो, और आपके पास तो इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है,
मतलब अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो इससे बेटर कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता अगर किसी ऐसे इंसान के लिए, अगर वो दिल से खुश रहना चाहता है तो, क्योंकि आप बच्चों के कॉन्टैक्ट में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप खच्चरों के कॉन्टैक्ट में हो, सारे फ्रस्ट्रेटेड।